ट्रेलर का शूटिंग वगैरह स्टार्ट हो चुका है, पुरानी आईडी नहीं भी मिल सकता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ऑफिशियल क्रॉफिट शायद से दिसंबर के एंड में या आइए देखते हैं मजा आएगा। वो पता चल जाए कि क्या क्या हो रहा है, चेंजेस क्या क्या नहीं, ग्लोबल मैच मेकिंग, उसके बाद फ्रेंडलीज तो वापस जाने वाला है आई गेस। सब कुछ अगर फ्रेंडलीज गया तो सब कुछ जाएगा। क्या बोला तूने? ऐसे लग रहा है कि BGMI जो है वो अनबैन हो सकता है बहुत ही जल्दी। इनफैक्ट अभी गवर्नमेंट काम कर रहा है रेगुलेशन के ऊपर, उनको ई-स्पोर्ट्स जो है ये बढ़ाना है इस कंट्री में। तो BGMI के आने के बस 20 ही दिन रह गए और BGMI के बारे में सब कुछ पता लग गया है भाई, कौन कौन सी लोबी आने वाले, कौन से क्रेट्स आने वाले और भाई कौन से मैप आने वाले। उसके साथ ही हरीश सर ने बोला है कि भाई जनवरी में आएगा बट यहाँ पे दिसंबर में हाई चांस है। साथ में क्राफ्टर ने भी यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया। उसके साथ ही ओशियन शर्मा ने भी एक बात बोली जो आपको बताने वाला हूँ, और जो ग्लोबल स्पोर्ट्स यहाँ पे चैंपियनशिप वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिसंबर में होने वाला है। और साथ में जो अपडेट BGMI के अंदर चेंजेस हुए हैं, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना। सब कुछ इसमें BGMI की बिगेस्ट न्यूज बताने वाला हूं। तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है, आज ऐसा लगता है कि BGMI बस 10 से 15 दिनों के अंदर आने वाला, क्योंकि BGMI को लेकर के दुनिया की सबसे बिगेस्ट न्यूज निकल कर आई, जिसमें यहां पे आपको बताने वाला हूं कि BGMI के अंदर क्या क्या चेंजेस होने वाला हूं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है कि वो जो स्क्रिप्ट थी वो सारी निकल कर आई है कि BGMI के अंदर क्या क्या चेंजेस होने वाला है, कौन सी डेट को आने वाला है। जनवरी में बोल रहे हैं बट यहाँ पे गेम दिसंबर में आने वाला है, ठीक है। साथ में भाई कौन से मैप आ गए, ओल्ड आईडी बिल्कुल भी नहीं चलेगी, ये कंफर्म हो गया है, ठीक है, ओल्ड आईडी नहीं चलेगी। साथ में जो अपनी पॉपुलरिटी है और यहाँ पे VUC वगैरह सब चली जाएगी। तो भाई इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना, सब कुछ बताने वाला हूँ। और जिसने अभी तक अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लेना, कोई तरीका है भीख मांगने का, पहले इनको ऑल पे कर दे रहे हो कि BGMI की न्यूज वगैरह देते रहता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी पहली गुड न्यूज के बारे में, जो कि BGMI के अंदर क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। आप सबको पता है कि यहाँ पे मॉडिफाइड वर्जन आने वाला है BGMI का, और यहाँ पे न्यू UI आने वाली है, उसके साथ न्यू लॉबी आने वाली है, न्यू क्रेट्स आने वाली है, और RP ओल्ड रहेगी बट यहाँ पे न्यू सा मैप नहीं आएगा, ठीक है। और भी इसके साथ ही काफ़ी सारे चेंजेस होने वाले BGMI के अंदर मैप को लेकर के। सुना जा रहा है कि मैप हमारे यहाँ पे इंडिया का ही होने वाले हैं और कुछ यहाँ पे BGMI की PUBG के पहले से होने वाले। उसके साथ ही यहाँ पे क्राफ्टन अनाउंसमेंट करने वाला है दिसंबर के महीने में, ये सबसे बड़ी गुड न्यूज है। क्राफ्टन पहले से काम कर रहा था BGMI के ऊपर, यहाँ पे अनाउंसमेंट जल्दी करने वाला है। उसके साथ ही भाई हरीश सर ने बोला यहाँ पे न्यूज मिल गया है, BGMI आने का मंथ पता चल चुका है, बट बताओ जानना है क्या नहीं। उसके साथ ही भाई यहाँ पे एक होल लिखा था, यहाँ पे स्टोरी लगाई थी समथिंग रिविलेट, यानी कि जो अंदर BGMI का स्टाफ था उन्होंने रिवील कर दी थी कि भाई BGMI इस तारीख को आने वाला है। साथ में आप भाई इन्होंने एक स्टोरी और लगाई थी, देखो इन शॉर्ट योर यस्टरडे लाइव BGMI इज कमिंग बैक मंथ जनवरी, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे जनवरी का नाम लिया है बट ये श्योर नहीं है क्योंकि यहाँ पे दिसंबर का नाम भी इन्होंने लिया है। उसके साथ ही यहाँ पे भाई जो कुलदीप सर है इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि बस आ ही गया समझो। उसके साथ ही आप सबको पता है यहाँ पे BGMI के अंदर एक 0.1 MB का अपडेट आया है, ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं। अगर आप यहाँ पे भाई क्रेट पे आते हो तो भाई यहाँ पे 7 से 8 दिन रह रहे थे डेज इनको चेंज होने में, बट यहाँ पे भाई डेट बढ़ा दी गई है, 84 दिन कर दी गई है। भाई ये सबसे बड़ा वो है कि भाई क्राफ्टन है, भाई क्राफ्टन कुछ भी कर सकता है। लोग दिसंबर में जनवरी में बोल रहे हैं बट यहाँ पे क्या पता भाई दिसंबर में आने के हाई चांस सबसे पहले लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्राफ्टन है ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी दिसंबर में के अंदर ही करने वाला है, और सारी क्रेट के यहाँ पे टाइम चेंज हो गया उसकी। एंड जैसे मैंने आपको सबको बताया कि भाई यहाँ पे BGMI पूरी तरह से चेंज होने वाला है, उसकी अंदर ओल्ड आईडी नहीं चलेगी, ये वार मान्य कि सीओ ने बता दिया है। उसके साथ ही जो आपकी पॉपुलरिटी है वो चली जाएगी, और जो यूसी पहले पड़ी थी शायद वो भी जा सकती है, और जो यहाँ पे भाई जितने भी आईडी वगैरह कार्ड वगैरह सब कुछ टोटली पूरी तरह से चली जाएगी। आप लोग उनकी वीडियो जरूर देखना, वार मान्य कि सीओ ने भाई सब कुछ बताया क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। और जो ट्रैकिंग टैक्सर है जो कि यहाँ पे ट्रैक की वीडियो बनाते हैं, उन्होंने भी यहाँ पे गुड न्यूज BGMI को लेकर दिया, आप उनकी वीडियो जरूर देखना। इट्स कमिंग फॉर श्योर, इट्स कमिंग, डेट हम लोग बता नहीं सकते बट न्यू पब्लिशर्स अभी तक हम लोग को लाइक क्राफ्टन तो होने ही वाला है, एक बंदे के साथ ही हो रहा है लाइक जो है रिलायंस दैट इज जियो, और ट्रेलर का शूटिंग वगैरह स्टार्ट हो चुका है, पुरानी आईडी नहीं भी मिल सकता है, दैट डिपेंड्स यार। ऑफिशियल क्राफ्टन से एंटरटेनमेंट बस अभी वो लोग भी काम कर रहे हैं डेवलपमेंट में, एंड जो जिसके वजह से वो लोग ने कहा बैन हुआ था उसके वजह से, तो इसलिए वो कुछ अनाउंसमेंट नहीं कर रहे, तो उनका जब भी ठीक हो जाएगा वो लोग अनाउंस कर देंगे। अब जी तक तुम लोगों को जैसे गेम फॉर पीस और पबजी में डिफरेंस रहता है, वैसे ही डिफरेंस रहेगा पबजी एंड BGMI। जो मैं बता रहा था कि इट्स ऑन द प्लानिंग प्रोसेस, बिकॉज अभी सबके सब BGMI बैन के कारण अभी पॉज में चल रहे थे,
बट या शायद से दिसंबर के एंड में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में लोगों को पता चल जाए कि क्या क्या हो रहा है, चेंजेस क्या क्या नहीं ग्लोबल मैच मेकिंग. उसके बाद फ्रेंडलीज तो वापस जाने वाला है आई गेस, बिकॉज ये सेम चीज हुआ था लास्ट में भी. इसमें भी शायद से होगा कि फ्रेंडलीज वापस तुम लोगों का चला जाएगा. पॉपुलरिटी ही चलनी चाहिए. हाँ, सब कुछ अगर फ्रेंडलीज गया तो सब कुछ जाएगा. UTF News है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना कभी इस तरफ जाता है, कभी फैंस की इस तरफ आता है, फिर कभी उस तरफ जाता है. दोस्तों ऐसे लग रहा है कि BGMI जो है वो अनबैन हो सकता है बहुत ही जल्दी. इनफैक्ट अभी गवर्नमेंट काम कर रहा है रेगुलेशन के ऊपर. उनको ई स्पोर्ट्स जो है ये बढ़ाना है इस कंट्री में. लेकिन अगर BGMI और फ्री फायर जैसे गेम जो है अगर बैंड है तो ई स्पोर्ट्स बढ़ नहीं सकता है, और उसकी वजह से रेगुलेशन लेके आएंगे और शायद फिर फ्री फायर और BGMI भी लेके आ जाएंगे, अनबैन हो जाएंगे. और जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि भाई 12 महीने किसी और ही सब सर ने बोला है कि भाई क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं. और यहाँ पे जो ट्रैकिंग टैक्सर है, इन्होंने भी आपको बता दिया गुड न्यूज़ के बारे में कि BGMI पूरी तरह से काम कर रहा है और भी क्राफ्ट ने बहुत जल्दी अनाउंसमेंट करने वाला है. तो भाई अगर आप चाहते हो मैं कि BGMI की वीडियो आपको न्यूज वगैरह देता रहूं, तो भाई अपने भाई का चैनल कर देना सब्सक्राइब. मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. सब लोग अपना ख्याल रखना और यार सब्सक्राइब भी कर देना. बाय बाय.